जय माता की दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज बताएंगे हम आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जानकारी है ये कि 19 जून 2023 से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं माँ के। तो माँ के 11 दिन तक ये नवरात्रे चलते हैं। गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है कि गुप्त मतलब किसी को ना बताए जाने वाला। और नवरात्रे भक्तों इस प्रकार है, सबसे पहले तो माता काली की पूजा होती है पहले नवरात्रे पर। दूसरे नवरात्रे पे आती है माँ तारा माँ, और तीसरे नवरात्रे पर आती है माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ, और चौथे नवरात्रे पर आती है मैया भुवनेश्वरी, और पांचवें नवरात्रे पर आती है छिन्नमस्ता, और छठे नवरात्रे पर आती है मैया धूमावती मैया, आठवें पर आती है माँ बगलामुखी मैया। और इस प्रकार माँ के नवरात्रे हैं। तो सबसे पहले हम माँ काली की ही पूजा करते हैं। माँ काली को सिद्ध करने से सभी जितने घर के पितर होते हैं, बंधन में होते हैं, या फिर कोई अदृश्य शक्ति होती है आपके घर पर वार कर रही है, या फिर कोई प्रेत बाधा है, या फिर कुछ भी अलग गलत क्रियाएं हैं करवा रखी हैं दुश्मनों ने, तो वे मैया काली ही काटने वाली हैं और काली माता ही काटती हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले माँ को ही साक्षी मानकर आपको पूजा प्रार्थना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी इन नवरात्रों में। तभी जा कर के आपके सारे बंधन, पितृ, प्रेत सब खुलेंगे। खुलते खुलते आपके घर में फिर सुख समृद्धि शांति आएगी, माता का निवास होगा, और माँ की ज्योत जलाइए, अखंड तेल की ज्योत जलाइए माँ की। और संकल्प लीजिए कि हम 7 माला, 21 माला, 11 माला, 51 माला करेंगे बैठ के आसन पर, और नित्य प्रतिदिन माँ की ज्योत लगा के, वो तो अखंड ज्योत तो जली गई है, पूजा होगी, और उसमें माँ की 40 भी कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी फिर पूजा प्रार्थना भोग प्रसाद देना होता है माँ को। पतासे लौंग का भोग दिया करो माँ को सुबह शाम। अगर आप माँ काली की पूजा ऐसे ही करते रहेंगे तो दुश्मन जो होते हैं, दुश्मन तो ताक में रहते हैं कि कब कहाँ किस तरीके से इन पर वार किया जाए। तो आप भी अपना इष्ट मानकर अपने माता रानी को समर्पित कर दीजिए अपना सब कुछ, और कहिए कि हे माँ, जो ये दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, कृपा इनसे हमें बचाइए, और इनको सद्बुद्धि दीजिए क्योंकि हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये हमारे पीछे बेमतलब में लगे हुए हैं। तो ऐसा कहकर माँ को प्रार्थना करके और अपना काम पे लग जाइए। तो ये जो दुश्मन है ना, ये अपने आप में पैसे भी दे के आएंगे तांत्रिकों को, और अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, जाएंगे घर से निकल के। और तांत्रिक तो इतनी गंदी क्रिया करते हैं यार, गंदे गंदे इनसे भोग भी लेते हैं, खराब खराब चीज़ों पे माता को चलाते हैं। और ये जो औरतें होती हैं ना, औरतें जाती हैं सबसे ज़्यादा, औरतें जाती हैं करवाने, इनकी तो वे तांत्रिक इतनी पूरी दुर्दिशा करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये फिर भी ये सोचते हैं कि बस उसका नाश हो जा, वो मेरा दुश्मन है, फला फला आदमी, बस उससे मैं चिढ़ूँ, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो बस यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। हर कोई का इंसान में, संसार में आने का ये दायित्व होता है कि वो खुश रहे, अपना परिवार सुख समृद्धि से रहे उसका। और भाई पूजा पाठ करते रहो, माँ के नवरात्रे हैं, और आपको भगवान माता रानी सुख शांति समृद्धि से निवाजे, भोलेनाथ आप पर सदा कृपा बनाए रखें। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों में, प्रियजनों में वीडियो तक को पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलूँगी मैं दोबारा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय माता की, जय माता की, जय माता की।